के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। मोदी को हराने के लिए सियासत के दो दुश्मन साथ आ सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश की पार्टी जेडीयू से गठबंधन के संकेत दिए हैं। लालू ने कहा है कि अगर दोनों पार्टियां साथ आ जाएं तो मोदी को हराना आसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल फॉर्मूले को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। लालू यादव विधानसभा में मांझी सरकार की अग्नि परीक्षा और राज्यसभा चुनाव में जेडीयू का साथ दे चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें नीतीश पर टिकी हैं। क्या नीतीश लालू का ऑफर कबूल करेंगे? आपको सुनाते हैं आखिरकार लालू यादव ने कहा क्या है, क्या ऑफर दिया है। अपना जो वोट मिला है वो, और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है। जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। और के ढोल सुहावा लगा नरेंद्र मोदी, घर का लड़का बोलना नहीं समझ में आ रहा। इसलिए सामाजिक न्याय मंडल वाली जो ताकत हो, ये मंडल वाली ताकत को रौंदा है। मुलायम सिंह गए, मायावती गई, और यहां मंडल वाली जो ताकतें हैं इसको रौंदा गया। इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। और जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। अलायंस वाली जो बात है, समर्थन देने लेने वाली बात है, ये तो पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है वो तय करता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, तय करते हैं, करेंगे। जरूरत इस बात की है कि जितने भी अमन पसंद लोग हैं, जितने भी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, चाहे वो अपने को गांधीवादी कहते हों, चाहे अपने को समाजवादी कहते हों, चाहे अपने को वामपंथी कहते हों, चाहे अपने को अम्बेडकरवादी कहते हों, उन तमाम लोगों को, किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोगों को एकजुट होकर के इस खतरे का, इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए।